भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शिवपुरी में हवाई पट्टी पर विजयपुर उपचुनाव के दौरान प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने की शिवपुरी में हवाई पट्टी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर गुंडागर्दी और वहीं चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। देखिए क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने। कांग्रेस पार्टी ने विजयपुर के उपचुनाव में हार की बौखलाहट से जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से आदिवासी भाई और बहनों को दबाव की राजनीति करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो गुंडिज्म किया है, और फिर आकर के कांग्रेस के नेता जो लगातार क्षेत्र में दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, मैं भी उसका जवाब देने के लिए आया हूं कि किसी प्रकार से कांग्रेस के इस प्रकार के गुंडिजों दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। और जिस प्रकार से वातावरण का निर्माण करने का प्रयास जो कांग्रेस ने किया है, यह दुर्भाग्यजनक है। इसलिए कांग्रेस हार के डर के कारण हमेशा से इनके हाथ में हमेशा यही रहा है, झूठ बोलना, लगातार झूठ की राजनीति करना और दबाव की राजनीति करने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उसका जवाब उन्हें जनता तो दे ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी विजयपुर के चुनाव में एक एक बूथ पर कार्यकर्ता तैयार है इनके गुंडिज्म को जवाब देने के लिए। इनको किसी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष और बाकी लोग जिस प्रकार से प्रयास किए हैं, हम शासन प्रशासन के साथ नियम कायदे कानून को कभी भारतीय जनता पार्टी हाथ में नहीं लेती, लेकिन जिस प्रकार से प्रयास हुए हैं और एक दबाव की राजनीति कांग्रेस जो करना चाहती है, उसका जवाब देने के लिए मुझे ये कहना पड़ा कि मैं भी विजयपुर आ रहा हूं। और उसका कारण है कि आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैं अभी आप भैया को जा रहे हैं और ऐसे लोगों को कड़ा जवाब दे आप भैया को निकलना।